लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं, सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। और महामहिम राष्ट्रपति जी पूरे देश के अंदर संविधान की प्रस्तावना का पाठ सारे देशवाली एक साथ सामूहिकता से करेंगे, ताकि संविधान के प्रति हम कृतज्ञ व्यक्त कर सकें और संविधान की मूल भावना और सामर्थ्य की ताकत को जन जन की ताकत पहुंचा सकें। मुझे आशा है और उन मनुष्यों को जिन्होंने उस पर योगदान दिया उनके प्रति भी कृतज्ञ व्यक्त करेंगे, और संविधान के मूल कर्तव्य दायित्वों को हम आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के सपनों को भी साकार करेंगे। मोदी ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र शीत रहेगा। वहीं दूसरी ओर सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में संसद में विपक्ष ने अपनी रणनीति पर चर्चा की। तो शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब हुए के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है।